आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेक्सुअल लाइफ में मानसिकता का शरीर से सीधा संबंध है। माइंड सेटअप हेल्थ सेटअप से ताल्लुक रखता है। अगर हम मेंटली प्रिपेयर नहीं, हमें समझ नहीं, तो हट्टे कट्टे होते हुए, फिट फार होते हुए भी हम कमज़ोर पाएंगे, हम डरे रहेंगे। इस बात से डरने की ज़रूरत नहीं, जानने की ज़रूरत होती है, अपना लाइफस्टाइल बदलने की ज़रूरत होती है। जहाँ हमें कमज़ोरी आती है वहीं हम फंस जाते हैं और सामने वाले के सामने फीके पड़ते हैं, कमज़ोर पड़ते हैं, डरते रहते हैं, भयभीत हो जाते हैं। इससे बचने के लिए ज़रूरत है कॉन्फिडेंस पैदा करने की, ज्ञान पैदा करने की। कहीं आपको समझ नहीं है, उसको जानिए। समझ है तो शरीर में, अपने लाइफस्टाइल में ऐसी खुराक खाइए, ऐसे लाइफस्टाइल बनाइए ताकि आप विश्वास के साथ अच्छे मर्दों के साथ जिंदा रहें। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर की। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, सेक्स से रिलेटेड बीमारियाँ, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो। आपको किसी बात का ज्ञान नहीं तो आपको सारी बीमारियाँ नज़र आएंगी। आपको थोड़ा सा ज्ञान भी है तो आपको कमज़ोर शरीर के होते हुए भी लाइफ को एंजॉय करेंगे। सेक्सुअल डिसऑर्डर क्या है? सेक्स के बारे में नॉलेज ना होना, इम्पोटेंसी होना, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होना, स्पर्म काउंट कम होना, रात को लोग सोते हैं उसमें नए डिस्चार्ज होते हैं, उसमें भी लोग पछताते रहते हैं जबकि ये कोई बीमारी नहीं होती इतनी बड़ी। ऐसे ही किसी को देख के पीनस की खड़ी, ऐसे ही किसी को देख के प्राइवेट पार्ट का खड़े हो जाना, पानी छोड़ना, ऐसी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं। इनमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर क्यूरेबल होते हैं। इनके लिए हमें चाहिए अच्छी खुराक और साथ साथ में अच्छी दवाई। वीटैक्स गोल्ड में वो सारे गुण हैं, वो सारे अंश हैं। गोल्ड भस्मा है, चांदी भस्मा है, तामर भस्मा है, शुद्ध शिलाजीत है जो बहुत ही हाई क्वालिटी की वीटैक्स गोल्ड में डाली जाती है। कहने को तो कोई कहता मैंने ये डाला जी, मैंने वो डाला जी, पर वो गपशप करके काम नहीं चलता। वीटैक्स गोल्ड आपको 5-6 दिन में ही आपका असर दिखा देती है और आप लाइफ इंजॉय करते हैं। इसलिए जब भी शादीशुदा ज़िंदगी में, आपकी जवानी में, आपके लाइफस्टाइल में कोई कमी आती है, आप इनफेक्ट सामने वाले से कामना पूरी नहीं कर सकते, आपको कमज़ोरी लगती है, तो आपको वीटैक्स गोल्ड लेनी चाहिए। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में आपको इंफेरिटी कम्प्लेक्स आता है। इंफेरिटी कम्प्लेक्स से आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी आती है। ये नेचुरली आपको अपने रिलेशनशिप में गड़बड़ी कर देते हैं। आप बदतमीज बन जाते हैं, चिड़चिड़े बन जाते हैं, मिसबिहेव करते हैं, इंफेरिटी कंट्रोल में आ जाते हैं। वाइफ से भी आप मिसबिहेव करते हैं तो उसमें दरार पड़ती है रिश्तों में और विवाहित जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कमज़ोरी की, इंफेरिटी कम्प्लेक्स की। ये क्यों होते हैं? कई लोगों को ज्ञान की वजह तो मैं बार बार कहता हूँ, जो नॉलेज नहीं है तो काम गड़बड़ हो जाता है। खून की कमी होती है तो गड़बड़ हो जाता है। अगर आपने कभी टेस्ट कराया हार्मोन की कमी कैसी है तो काम गड़बड़ हो जाता है। इन कामों से एग्जामिन करके फिर आगे हमें चलना चाहिए और लाइफस्टाइल में चेंज आएगी, खून की कमी पूरी होगी, आपके हार्मोन्स पूरे होंगे, तो आप लाइफ को हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ जिएंगे और इन्जॉय करेंगे।